अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किरण की दुनिया, किरण के जहान में आप सबको खुश आमदीद। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आज वॉइस ओवर से अच्छा है कि थोड़ा सा खुद भी बोल के देख लेते हैं, आप लोगों से खुद भी बातें कर लेते हैं। तो सुबह का मैंने काम कर लिया था, बेटे को स्कूल भेज दिया था, कल उसका एनुअल फंक्शन भी हो गया था जैसे कि आप लोगों को भी मैंने दिखाया था, और अपनी मदर से बात भी कर ली थी मैंने। अब मैं सोच रही हूँ कि कोई, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मतलब डेली की रूटीन से फ्री हूँ, तो सोच रही हूँ कि वॉशिंग मशीन लगा लूँ और साथ साथ आपसे बातें भी हो जाएंगी। और साथ में मैंने वो जो मसाला वाला रैक था उससे ऊपर वाला जो अलमारी का उसका कैबिनेट का हिस्सा था उसको भी मैनेज कर लूँगी, और थोड़ा देख लेती हूँ ग्रोसरी करने नहीं मैं जा पा रही, कुछ इशू है, रोड ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ हो रही है या पता नहीं क्या हो रहा है रोड पे, तो हम मतलब कैश एंड कैरी जा नहीं पा रहे, और जो चीज़ें घर हैं कम अज़ कम उनको तो हम ना अरेंज कर लेते हैं और बॉक्सेस में रिफिल करके रख लेते हैं, मतलब मकसद ये है। और चलें जी फिर निकालते हैं कपड़े और हो जाते हैं शुरू फटाफट से। और प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी अप्रिसिएशन जो है वो शर्त है उस चीज़ की कि मेरे व्लॉग्स और भी अच्छे हों, या मैं कुछ भी रिकॉर्ड करूँ, कोई कंटेंट हो तो अच्छा आए, तो वो उस चीज़ के लिए शर्त ये है कि जाहिर है मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए। और आपकी अप्रिसिएशन कैसे मिलेगी, जब आप लाइक करेंगे, कमेंट्स ज़रूर किया करें, अभी तक कमेंट नहीं आए, कमेंट ज़रूर किया करें, और उसके साथ साथ जब होगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर पढ़ेंगे मेरे, मतलब एक वो होता है ना कि बंदे की एक कम्युनिटी बढ़ती है, या वो जहाँ रहता है उसका ग्रुप सर्कल जो है वो बड़ा होता है, तो फिर जाहिर है बंदा ज़रा खुल के जीता है भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से भी करवा लें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड से। चलें जल्दी जल्दी, अब मैं, अब कॉल आ रही है, मैं पहले चेक कर लूँ कॉल किसकी है। चलें जी, अब ये सामने से पहले चीज़ें हटाते हैं, फिर करते हैं काम फटाफट से, और फिर देखते हैं। मैं साथ साथ कैमरा भी सेट कर रही हूँ, क्योंकि कैमरे को सेट करना भी ना एक सही एंगल से रखना कि आप लोगों को सब कुछ दिखे, तो ये भी एक बड़ा टास्क होता है और जो कि ये मुझे करना है। और पहले थोड़ी देर पहले असल में हस्बैंड का फ़ोन आ गया था, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उससे रिलेटेड जाहिर है कि फिर कुछ मशवरे करने होते हैं, तो वो चल रही थी बात। बहरहाल अपना घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, घर को बनाना बहुत मुश्किल काम है। चलें जी खैर, अब चीज़ें उठाते हैं और फटाफट से करते हैं काम, क्योंकि फिर मेरे बेटे का आने का टाइम अगर हो गया ना तो कुछ नहीं हो सकेगा, जो मर्ज़ी कर लें फिर नहीं हो सकता कुछ भी। ये असल में मेयरिंग टेप से मैं मेयर कर करके उन्हें बता रही थी कि अब ये करना है, और ये फिल्टर से हम पानी आया था, तो इनको इसको भी ठिकाने लगाते हैं। अच्छा मैंने ना असल में डिस्पेंसर लेना है, डिस्पेंसर वो वाला डिस्पेंसर नहीं लेना, मतलब इसको डिस्पेंस करने के लिए ना बॉटल्स को, तो देखते हैं फिर करते हैं कुछ। अभी तो बहरहाल ये बॉटल्स हम छोटी भर के लाने लग गए हैं ताकि ईजीली ना हम वो कर सकें, इसको इसमें से पानी डाल सके।
चलिए जी, सामान सारा निकाल लिया है। आप करते ये हैं कि फटाफट से इनको बॉक्सेस में इनके डाल लेते हैं, बॉक्सेस भी निकाल लेते हैं। चले भाई, बॉक्सेस भी आ गए हैं तकरीबन, जो चाहिए होंगे वो साथ साथ हम लोग ना रखते रहेंगे, ठीक है। अब अल्लाह, एक तो मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ और फिर मुझे याद नहीं होता, हालांकि मैंने इनके ऊपर ना ये देखिए चिट लगाई हुई होती है, ये देखिए, इसके बावजूद भी मुझे याद नहीं होता कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है क्या क्या है मेरे पास और क्या क्या नहीं है। ये बेसन है, और बेसन ही है बस, और बहुत ज़्यादा बेसन हो गया। आई डोंट नो कि अब ठीक है कि नहीं है। नहीं, बेसन नहीं है ये, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये बेसन नहीं है, ये मकई की का आटा है जो कि अभी किसी काम नहीं आता, तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से बांध के ना अलग रखा हुआ है कि जब कभी काम आएगा तो निकाल लेंगे। भाई अभी जब काम ही नहीं आ रहा तो क्या कर रहे हैं निकाल के। ये है लेमन ग्रास, जो कि मैं आजकल बिल्कुल नहीं पी रही, आजकल क्या तकरीबन सर्दियां जब से ख़त्म हुई हैं मैंने पी के नहीं देखी। इसके बाद ये साबुत काली मिर्च आ गई, इसको भी पीस के नहीं रखना है क्योंकि ऑलरेडी पीसी हुई है मेरे पास। सफ़ेद ज़ीरा नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने निकाला था न्यू पैकेट, तो इनको बाद में रखते जाएंगे, जो चीज़ें चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं। और आई डोंट नो, यस दिस इज़ सूख मिर्च पाउडर, इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये फिर चाहिए होगा, तो इसको हम डाल लेंगे फिर इसके मसाला रैक में। और ये क्या है, ये सालन मसाला है, इसको भी निकाल लेते हैं और इसको भी डाल लेते हैं क्योंकि सालन मसाला भी ख़त्म हुआ हुआ है। और ये चने हैं, चने भी निकाल लेते हैं, बल्कि चने का पैकेट ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। और ये एक दाल पड़ी हुई है, इसको भी निकाल लेते हैं। सॉरी, ये देखिए, मैं आप लोगों को बता रही थी ना मेरे पास रेड एंड ग्रीन कलर भी है, तो ये मेरे पास ग्रीन एंड रेड कलर बोथ अवेलेबल हैं वो वैसे वाले बॉक्सेस में, तो ये जब चाहिए होते हैं फिर हम कर लेते हैं यूज़ अभी तो नहीं चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हल्दी है पिसी हुई, जो ख़ुद पिसवाई हुई है मशीन से और चक्की से, तो ये वो पिसी हुई हल्दी है। और ये देखें, मेरे पास यीस्ट भी पड़ा हुआ है और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉरी, मैंने दो डब्बे मंगवा लिए थे, दैट्स वाई ये फिर ऐसे पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। ये भी लाल मिर्च पाउडर पड़ा हुआ है जो कि डबल हो गया, अब पहले भी था एक। अच्छा खैर, ये सब्ज़ी इलायची पड़ी हुई है जिसको इधर रखना चाहिए हमें क्योंकि मसाले वाले बॉक्स में डालेंगे। ये इस्पगोल है, इसको भी निकाल लेते हैं कि हम ना फिर उसमें डाल लेंगे, क्या कहते हैं उसको भाई, वही उसमें बॉक्स में, सॉरी, इसके जार में डाल लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा बचा हुआ था ना, तो और फिर ऐड कर लेंगे। अब और क्या है, ये बेसन है, लेकिन आई थिंक कि ये सही नहीं है बेसन, इसको निकालना पड़ेगा जी, इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। और ये लास्ट ईयर का आई थिंक पड़ा हुआ है। और ये देखें जी, ये जौ का दलिया है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको निकाल के ना कम अज़ कम परिंदों को ही दे दूँ, वही खा लेंगे। हम तो तलबीना के लिए लेके आए थे, बनाया था, बट सही बनता है, बस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा,
लगता वो, तो फिर इसलिए मैं ज़रा कम कम ही बनाती हूँ, बनाती नहीं बल्कि सीधी सी बात है। झूठ ना बोल नहीं बोलना चाहिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलती, इस बात में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाली बात है और होनी भी चाहिए सबके लिए फ़ख्र वाली बात कि भाई हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये बड़ा ही बुरी बात है जिसको ये लत लग जाए।